नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शाउमी का Redmi Note 3 मोबाइल। इसमें हमारी ये चार्जिंग की जग की दिक्कत है, इसको हम किस प्रकार से रिपेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी कोई भी स्टेप स्किप कर दी तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हमें सबसे ये करना होगा कि हमारी ये सिम ट्रे को रिमूव करना होगा। हम ये सिम ट्रे को रिमूव करते हैं हमारे, ये देखिए, और हमें नेल्स की सहायता से इसको अनलॉक करना होगा। ये देखिए, हमें ये नेल्स की सहायता से बहुत ही केयरफुली इसको चारों ओर से अनलॉक करना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमें बोन को अलग करना है। बोन को अलग करने के भी हमें इसमें केयरफुली करना है सारा काम, क्योंकि हमारा ये फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है। ये देखिए, हमने इसको ओपन किया, इसको हम ट्वीज़र की सहायता से। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहला इंटीमेशन आपको मिल सके। रिमूव करेंगे ये फिंगरप्रिंट सेंसर को। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फिंगरप्रिंट सेंसर रिमूव कर दिया और इसका ये हमने बोन रिमूव बैक कवर रिमूव कर दिया। हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमारा चार्जिंग सेक्शन से दिक्कत है तो हमें केवल इतना इतना पोर्शन ही ओपन करना है। इसके लिए हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मिस ना हो, हम मैग्नेट के लगा सकें। तो हमें ये वन बाई वन करके सारे स्क्रू ओपन करने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ये बॉटम के सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हमें ट्वीज़र की सहायता लेनी है। हमें ट्वीज़र की सहायता से इसको ओपन करना है, बहुत ही केयरफुली करना है हमें सारा काम। ये देखिए, ये हमने इसके रिंगर असेंबली को रिमूव कर लिया। ये हमारा रिंगर असेंबली है। अब हमें ये स्ट्रिप को रिमूव करना है। हमने स्ट्रिप को अनलॉक किया, यह हमें एंटीना को अनलॉक करना है। और हमें ये देखिए, अनलॉक करने के बाद में इसको ट्वीज़र की सहायता से हमें इसको स्लोली इसको अप की ओर पुश करना है। ये देखिए इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, ये हमें बहुत ही इजी वे में निकालना है। इसको हम अलग कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये चार्जिंग का स्ट्रिप हमने अलग कर ली हमारी चार्जिंग सॉकेट का, और हम इसको मदरबोर्ड को अलग रख देते हैं। अब हमें ये चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने चार्जिंग जैक रिमूव करने की लगा लिया इसको, और अब हम इसके लिए SMD का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने हमारे डैमेज जैक को रिमूव कर लिया। ये देखिए हमारा डैमेज जैक, अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ये नया जैक ले लिया। इससे पहले हम हमारे सोल्डर से इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं जैक को। हम ये देखिए दोस्तों, हम इसको सोल्डर की मदद से इसको प्रिंट्स को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमने सारे ये इसको क्लीन कर लिए। अब हम इसमें जैक लगाएंगे नया। इसके लिए हम थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हम सोल्डर की मदद से इसको सोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने एक साइड का सोल्ड कर दिया। इसी प्रकार से हम इसमें दूसरी साइड का भी सोल्ड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल और कर लेते हैं, ताकि हमारी जो जैक की मजबूती है वो बनी रहे। सोल्ड करने के बाद में दोस्तों, हम इसके सारे प्रिंट्स को सोल्ड करेंगे वन बाय वन करके। थोड़ा हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, और हम इसके वन बाय वन करके सारे प्रिंट्स को सोल्ड करेंगे।
सारे प्रिंट ये देखिए हमने सोल्ड कर लिए दोस्तों, ये देखिए ये देखिए दोस्तों हमने सारे प्रिंट्स इसके सोल्ड कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हमारे डस्ट वगैरह नहीं रहे किसी प्रकार की। ये देखिए हमने ये क्लीन कर दिया, ये हमारा डैमेज जैक है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा डैमेज जैक है। अब हम हमारा मदरबोर्ड लेंगे, इंसर्ट करेंगे हम हमारे जैक को, चार्जिंग स्ट्रिप को हम इंसर्ट करेंगे। ये स्ट्रिप हमने इंसर्ट की, एंटीना कवर हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये बोन को हम थोड़ा वॉश कर लेते हैं, ये देखिए डस्ट हो रही है। और हम ये इसके ऊपर लगा देते हैं और अब हम इसमें चार्जर इंसर्ट करके चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा ये मोबाइल चार्ज होने लगा है। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे Xiaomi Redmi Note 3 का चार्जिंग जैक रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहला इंटीमेशन आपको मिल सकेगा और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको पैक करते हैं। अब हमारा ये देखिए हमारी चार्जिंग लग रही है, हमने ये चार्जिंग जैक दोबारा इंसर्ट किया चार्जर, और ये देखिए हमारा दोबारा ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों हम ये इसके स्क्रू लगाएंगे जो हमने इसके ओपन किए थे वन बाय वन करके। ये देखिए दोस्तों हमने ये सारे स्क्रू लगा लिए। अब हमें हमारा ये बोन लेना है और हमें ये फिंगरप्रिंट सेंसर को इसके ऊपर लगाना है। तो ये हमें बहुत ही केयरफुली लगाना है, हमें ये स्ट्रिप को करना है सीधा और हमें ये देखिए दोस्तों हमें ये फिंगरप्रिंट सेंसर का फ्लेक्स का लगाना है और अब हमें ये बोन हमारे वॉल्यूम बटन की तरफ से हमें प्रेस करते हुए सारे ओर से लॉक को लॉक कर देना है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सारा लॉक कर देना है और हमें ये हमारा सिम ट्रे इंसर्ट कर लेना है। अब हम चार्जर लगा के एक बार और चेक कर लेते हैं हमारा मोबाइल को। हमने चार्जर इंसर्ट किया,
और ये देखिए दोस्तों हमारा ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। देखा दोस्तों हमने किस प्रकार से हमारे Redmi Note 3 का चार्जिंग जैक रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें। ये देखिए